बुधवार का दिन बिहार की सियासत में आरजेडी के लिए भूचाल लेकर आया, जहां लालू परिवार के खास माने जाने वाले एमएलसी सुनील सिंह समेत कई राजद के नेताओं के ठिकाने पर सीबीआई ने छापा मार दिया। बिहार में आरजेडी नेताओं के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी हुई और उसके बाद सब तेजस्वी यादव के बयान का इंतजार कर रहे थे। आज तेजस्वी यादव ने इस मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में वो बीजेपी को करारा जवाब देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 100 सुनार की एक लोहार की। पहले सुनिए तेजस्वी यादव इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं। आपको अंदेशा पहले से था, क्योंकि आपने सतर्क भी कहा था रैली के लिए। आपको नहीं लगता आज ही मत टारगेट किया जा रहा है जवाब अंदर दिया जाए, रखिए अभी तो उन्हीं लोगों का चलाइए ना, चलवाइए पूरा, क्या आपका भी मौका आएगा अभी भाई। बता दें कि इस मामले में राबड़ी देवी ने भी कहा था कि इस छापेमारी से हम डरते नहीं हैं, ऐसा हमारे साथ पहली बार नहीं हुआ है। डर गए हैं लोग, नया सरकार बना है, हम लोग डरने वाला में से नहीं है, आज पहली बार नहीं हो रहा छापेमारी। और अब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी सीबीआई रेड पर पलटवार किया है और ये साफ कर दिया कि उन्हें इससे डर नहीं लगता। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि अब आने वाले समय में वो इस पर करारा जवाब देंगे। आरजेडी नेताओं के ठिकानों पर सुबह से ही सीबीआई की छापेमारी चल रही है, जिसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम भी सामने आया। अब इस पर तेजस्वी यादव ने जवाब देते हुए कहा है कि हमें जो भी जवाब देना होगा वो हम सदन में देंगे। साथ ही तेजस्वी ने कहा कि 100 सोनार की एक लोहार की, समय आने पर इन सब का करारा जवाब दिया जाएगा। वहीं सीबीआई की रेड पर बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा था कि जनता सब जानती है, उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाया, इसको लेकर के बीजेपी डर गई है और इन डरे हुए लोगों ने हमारे पार्टी के तमाम विधायक और नेताओं के घर पर रेड पड़वाई है, लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं हैं, हमारे साथ ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले सीबीआई की रेड पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा था कि इसे एजेंसियों की छापेमारी नहीं बल्कि बीजेपी संगठन का छापेमारी कहिए। आपको बता दें कि लालू परिवार के खास और आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह समेत कई राजद के ठिकानों पर फिलहाल सीबीआई की छापेमारी चल रही है, जिसमें राज्यसभा के सांसद भी शामिल हैं। इनमें सुनील सिंह के अलावा अशफाक करीम, फयाज अहमद, पूर्व एमएलसी सुबोध राय का नाम भी सामने आया है।